नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जो भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। सभी को धनतेरस की ढेरों 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 शुभकामनाएं। भगवान करे इस साल आपके ऊपर भगवान कुबेर माता लक्ष्मी अपने करोड़ों हाथों से धन लुटाए, गरीबी घर से जड़ से चली जाए। कुछ लोग जो ही कमेंट करते हैं, मैडम आप हर वीडियो में लिखते हो करोड़पति ऐसे बन जाओगे वैसे बन जाओगे, मैं कहती हूँ सच, जिस चीज को आप बार बार बोलते हो वही आपके साथ होता है, जो आप बार बार सोचते हो वही आपके साथ होता है। इंसान अपनी कुंडली अपने हाथों से लिखता है। आपने देखा होगा रामायण में भी, जब काक भुसुंडी से गरुड़ जी ने पूछा था कि संसार में सबसे अच्छा सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो काक भुसुंडी जी ने बताया था कि सबसे बड़ा सुख है कि आप इंसान हो, आपके पास मानव का शरीर है, और दुख यह है कि आप गरीब, गरीबी आपके हजारों सपनों को खत्म कर देती है। और इसीलिए दोस्तों आप देखो मेरी चैनल पर सबसे पहले मैंने जिस चीज को इंट्रोड्यूस किया था वो पाइराइट था। पाइराइट, ये पाइराइट जिस कीमत पर मैं आपको दे रही हूं कोई दूसरा बिजनेसमैन नहीं दे सकता, कोई दूसरा व्यापारी नहीं दे सकता। और हर दीपावली मैं इस पर सेल लगा देती हूँ, 100 ग्राम की कीमत पर 1 किलो पाइराइट मैं अपने सब्सक्राइबरों तक, अपने व्यूवर तक पहुंचा रही हूँ। हाँ, इस बार दीपावली पर और एक बात आपको बता दूं, माता लक्ष्मी का ये जो श्रीयंत्र है इस पर पाइराइट का ही कॉइन फ्री कर दिया है। मतलब जो लोग पाइराइट भी रो नहीं खरीद पा रहे हैं वो माता रानी का ये श्रीयंत्र अगर लेते हैं तो उस पर भी पाइराइट का ये कॉइन, जिस पर एंजल नंबर से, जिसकी कीमत 1100 रुपये है, लोग 100-150 रुपये की चीज साथ में फ्री करते हैं, ये 1100 रुपये का कॉइन है जो मैंने इस पर फ्री कर दिया है। दीपावली तक ये ऑफर चलने वाली है, तो आप इसे जरूर मंगवा लें। और हाँ, एक चीज़ और बहुत अच्छी बता दूँ, जो लोग जिनका खुद का बिजनेस है, ऑफिस है, शोरूम है, उस पर 12 मास ग्रीन एवेंचुरियन का ये दीपक जलाए, ये खर्चे को भी उतार देता है, ग्राहकों की भीड़ लगा देता है, नौकरी धंधे तेजी से चलाता है। और घर में भी अगर आप इसको घर की उत्तर दिशा में जलाते हैं ये दीपक, और ये पाइराइट का ही दीपक माता लक्ष्मी के सामने और घर की उत्तर दिशा में अगर आप इसको जला देते हैं तो आपके घर में धन आएगा और आएगा। जिनके घर में शादियों में प्रॉब्लम आ रही है, घर के अंदर शुभ प्रसंग नहीं है, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, वो लोग जो एजुकेशन से जुड़े हैं, जो पंडिताई से जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तमाम लोग सिट्रिन का दीपक जरूर मंगवाएं और इसको घर की पूर्व दिशा में जला दें। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके स्टडी रूप में जला दें। और जिनके घर में अधार्मिक वातावरण है, घर का वातावरण धार्मिक नहीं है, माता पिता की बच्चे इज्जत नहीं कर पा रहे, जहाँ राहु का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है, वे तमाम लोग इस दीपक को, सिट्रिन के दीपक को घर की पूर्व दिशा में जरूर चलाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, दीपकों पर कोई COD नहीं है, दीपक आपको सीधे सीधे ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें सेल पर लगी हुई हैं, ये चीजों में हमें बिल्कुल भी कोई इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको ये चीजें दी जा रही हैं ताकि आपके घर तक ये चीजें पहुंचे। तो आप दीपकों पर तो बिल्कुल भी COD ना ही मांगे, सीधे सीधे आप इनकी खरीदी करें। और एक चीज बता दूं, कुबेर पोटली की वीडियो में जरूर बनाऊंगी, आप उसको देखना कि उसमें कौन कौन सी चीजें रखनी है अगर आप कुबेर भंडारी नहीं मंगवा पा रहे हैं। वैसे जो लोग कुबेर भंडारी मंगवा पाए बहुत अच्छा है, बहुत ही कम कीमत में, 1200 की कीमत में है। इसमें आपको माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, गणपति जी और माँ शारदा की मूर्ति के साथ माता लक्ष्मी की 14 चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अगर आप इसको मंगवा लेते हो, इसकी पूजा करते हैं धनतेरस दीपावली वाले दिन, फिर आपको कुबेर पोटली बनाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत बढ़िया चीज़, पाइराइट से ही बना हुआ ये कुबेर कुंजी का माता लक्ष्मी का फ्रेम, घर की उत्तर दिशा में कभी भी लगा दे, चाहे दिवाली पर या दिवाली के बाद, ये चीज़ें घर में धन को खींच करके लेकर के आती हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आज मतलब कि 29 अक्टूबर धनतेरस है, धनतेरस में जो शाम के समय, जो पूजा का समय दोस्तों 6:31 से 8:31 का रहेगा,
जिसमें आपको आपके पास जिस भी रूप में धन हो, चाहे कोई भी रूप में मिलकत हो, जमीन हो, मकान हो, गहने हो, सभी की पूजा करनी है। हर जगह जगह पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। कुछ लोग डाउटफुल है कि आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है कि नहीं, मैं आपको बता दूं, माता लक्ष्मी की पूजा धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन की जाती है। माता लक्ष्मी की स्थापना धनतेरस से दीपावली तक आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की स्थापना आप धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक की भी कर सकते हैं, और धनतेरस से लेकर के लाभ पंचमी तक की भी कर सकते हैं। मतलब 3 दिन, 5 दिन या 8 दिन की माता लक्ष्मी की स्थापना होती है, जिसमें रेगुलर आपको माता लक्ष्मी के आगे गुलाब का फूल, सफ़ेद फूल, घी का दीपक, अगरबत्ती, खीर इत्यादि की प्रसादी रखनी है, ड्राई फ्रूट्स उन्हें अर्पित करने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आज धनतेरस है, धनतेरस पर आप जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है, उन मुहूर्त में आप वो तमाम चीज़ें खरीदें, जैसे सोना है, चांदी है, घर गृहस्थी की जो भी चीज़ सामान आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या हम बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, जो कुछ भी आप अच्छा शुभ कार्य करना चाहें आप कर सकते हैं। गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, मतलब कोई किसी प्रकार का वाहन लेना है वो ले सकते हैं। मिल्कत में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर बाजार में आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। धनतेरस मतलब कि कैसे भी लक्ष्मी में वृद्धि करना, धन और वैभव में वृद्धि करना। मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आपके शुक्र मजबूत हैं तो धन और वैभव गजबनाक तरीके से बढ़ता है। शुक्र अगर आपके मजबूत है, माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है, और उसके लिए जरकन की अंगूठी, तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई है, लेकिन जरकन की अंगूठी और मच्छी मनी, ये दो चीज़ तो आप हमेशा हमेशा आजमाते ही रहें। ये चीज़ें वो है जो आपकी किस्मत को चमका देती है। तो ये तमाम चीज़ें तो आप आज के दिन आपको खरीदनी है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ आपको बता दूँ, वो है पीतल। पीतल जो है वो धातु भगवान कुबेर को बेहद पसंद है। जैसे कि जो कुबेर कुंजी का मैंने आपको बताई है, जो किट बताई है, उसके अंदर जो छोटी छोटी सी स्टैचूज है माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की, ये जो पीतल है, पीतल की अगर स्टैचू आप अपने घर में भगवान कुबेर की रखते हैं, माता लक्ष्मी की रखते हैं, तो भी गजब का आपके घर में धन का प्रवाह बढ़ जाता है, क्योंकि पीतल भगवान कुबेर को बेहद प्रिय है। तो आज आप बाकी तमाम चीज़ें खरीदते हैं उसके साथ पीतल का बर्तन घर में जरूर लेकर के आए। पीतल की कोई ना कोई चीज आप जरूर जरूर खरीदें। अभी आप देखो, लगभग 7-8 दिन पहले की बात है, एक जगह ऐसे ही मुझे दान करना था, तो मैंने जितने चीज़ें, अभी लोग, कुछ लोग ये भी बोलते कि अभी तो क्रॉकरी ज़्यादा चलती है, स्टील ज़्यादा चलता है, लेकिन अगर आपको दान करना है तो पीतल के बर्तनों का दान करें। मैंने ढेरों पीतल के बर्तन खरीद करके दान किए। ये दान आपके किस्मत को चमकाता है, घर में धन और ऐश्वर्य को बढ़ाता है। और धनतेरस के दिन बाकी तमाम सामान आप खरीदते हैं उसके साथ पीतल का कोई भी एक बर्तन खरीदें। अगर बर्तन आप नहीं खरीद सकते, वैसे मैं आपको बताऊँ, बर्तन जैसे आप भगवान का भोग भी लगाते हैं तो आप चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन में या फिर पीतल के बर्तन में जो भोग लगाते हैं वो बहुत शुद्ध माना जाता है और भगवान उसका स्वीकार करते हैं। तो सोने के बर्तन तो खरीदना अभी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन चांदी के बर्तन भगवान के लिए लोग खरीदते हैं। तो अगर आप चांदी के भी नहीं खरीद सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, पीतल बहुत ही मूल्यवान धातु है। पीतल की थाली में आप भगवान को भोग लगाएं, पीतल के घड़े में पानी भर करके रखें, जो पानी आप भगवान को अर्पित करते हैं, इससे धन की वृद्धि होती है, गजबनाक तरीके से घर का धन बढ़ता है। तो आज धनतेरस से पीतल का कोई ना कोई एक बर्तन तो आप अवश्य खरीदें, अन्यथा पीतल के से भगवान कुबेर की मूर्ति है उससे आप खरीद सकते हैं, माता लक्ष्मी की अगर आपको कोई स्टैचू मिलती है तो उसे आप ले सकते हैं। कुछ भी ना हो तो घंटी पीतल की आज के दिन खरीद करके आप घर में लेकर के आए। घंटी ऐसे भी बहुत ही शुभ मानी जाती है, घंटी की आवाज़ आपके घर में। हाँ, हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैडम आरती में घंटी बजाना क्यों जरूरी है, मैं आपको बताऊं, घंटी जैसे हमारे पास कोई ज्ञान आया और हमने उसका जितना प्रचार प्रसार किया, जितने लोगों का भला हुआ, जितने कानों तक वो आपकी आवाज़ गई, उतना आपका भला होता है। ऐसे आरती के समय घंटी बजाने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जहाँ तक घंटी की आवाज़ जाती है नेगेटिविटी दूर भागती है। घंटी बजाना, शंख बजाना, ये तमाम चीज़ें पॉजिटिविटी को क्रिएट करती हैं।
और यही कारण है कि घंटी बजानी चाहिए। तो और अगर कोई चीज ना भी लाए, ना भी लाने की इच्छा हो, तो भी आप घंटी जरूर आज के दिन लेकर के आए, ताकि भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की सदैव आपके ऊपर कृपा बरस सके। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।